कैलाश नगर एकता चौक के समीप मंदिर प्रांगण में शिवलिंग की स्थापना पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर बंगाली समाज द्वारा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मां काली की पूजा अर्चना की गई। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कैलाश नगर में एकता चौक के समीप मंदिर प्रांगण में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ आचार्यों की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। वहीं बंगाली समाज द्वारा भी मां काली की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ संपन्न कराई गई। आयोजन की जानकारी समाज के लोगों ने कुछ इस तरह से दी। 1980 के हमरा ही पूजा करसी माने पंजाबी माने जत रकम ई थाकना केनो हमरा भाई भाई ई करे हमरा एखाने चलछी আর কমসে কম 42 বছর হয়ে গেল আমরা এই পুজো করছি। এই পূজার মধ্যে না কোনো ভেদভাব কিছু নেই, কেন আমরা জানি যে পাঁচ জায়গা থেকে পাঁচজন আসে, পাঁচ রকমের মত থাকে, কিন্তু যখন আমরা এই পুজোটা করি তখন আমরা একাত্তা হয়ে পুজোটা করি। সবাই কা স্বাগত করতে হর বর্ষ কি তরহ ইস বর্ষ ভি বহু ধুমধাম সে কালী পূজা কা আয়োজন কিয়ে হ্যাঁ। और इसके पहले शिव जी की प्रतिष्ठा जो 21 तारीख को किए हैं, शिव जी की प्रतिष्ठा हुई है, कलश यात्रा हुई है, बहुत हर्षोल्लास से बहुत धूमधाम से हम लोग मनाए हैं। तो हम कैलाश नगर के जो बंगाली मोहल्ला के रहने वाले आस पड़ोस के लोग एक सांस्कृतिक जुड़ाव और धार्मिक कार्यक्रम के द्वारा सरस्वती पूजा, शिव रात्रि और काली पूजन में हर वर्ष की तरह मनाते आए हैं और भव्य तरीके से मनाने के लिए इसको मंच को अभी बनाया गया है। और 1980 से हमारे यहाँ ये मंदिर जो शुरू हुआ था एक छोटे से चार दीवार के अंदर था और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते आज उस स्थिति में है कि हमने दिल्ली को थोड़ा उद्धार किया और ऊपर में छत भी ढलाई कर दिए और फिर काली माँ के साथ साथ शिव जी का भी प्राण प्रतिष्ठा किए हैं अभी। और जो स्थिति अभी आप देख रहे हैं पहले से बहुत ही बेहतर स्थिति है। ये देखते हैं पूजा अर्चना की कुछ खास झलकियाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।